हेलो एवरीवन, वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 को एमसीक्यूज के माध्यम से हम यहां पे डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। यह जो रिपोर्ट होगी यह भारत के संदर्भ में होगी। इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट डिस्कस की थी, वह उत्तराखंड के संदर्भ में थी। तो डिस्कस करेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में। पहला क्वेश्चन है, कुल वन क्षेत्रफल यानी फॉरेस्ट एरिया के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है पहला, पांचवा, सातवा या दसवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी लास्ट, यानी दसवा स्थान। आप यहां पे देख सकते हैं यह जो रिपोर्ट है प्रत्येक 5 साल में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट यानी GFRA द्वारा जारी की जाती है। और यदि हम बात करें 2015 की रिपोर्ट के अनुसार उस समय भी भारत का स्थान दसवा ही था, और 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भी भारत का स्थान दसवा ही है। यहां पर अगर हम भारत का जो कुल वन क्षेत्रफल है विश्व से कंपेयर करें तो वह 2% है, और जो पहला दूसरा स्थान है वह आपको रशिया का मिलेगा और दूसरा ब्राजील का मिलेगा। रशिया पूरे विश्व के वन क्षेत्रफल का 20% केवल अकेला ही धारण करता है। तो GFRA रिपोर्ट के आधार पर फॉरेस्ट क्षेत्रफल में विश्व में जो भारत का स्थान है वह दसवां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 यानी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का यह कौन सा संस्करण जारी हुआ है, 18वां, 17वां, 16वां या 19वां। तो इसका जो सही आंसर है वह है 17वां, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आप यहां पे देख सकते हैं यह जो रिपोर्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय यानी द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, जिसके वर्तमान मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। यह जो रिपोर्ट है 2021 की 17वीं रिपोर्ट है। इससे पहले जो सर्वे रिपोर्ट थी यह 2019 में जारी की गई थी। अगर हम बात करें फॉरेस्ट सर्वे की स्थापना की तो 1 जून 1981 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वह देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में यह जो रिपोर्ट है जारी करते आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून या हैदराबाद। जैसे हमने आपके सामने भी डिस्कस किया था, इसका जो सही आंसर है वह है देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण जिसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी और 1987 से जो वनों से संबंधित रिपोर्ट है प्रत्येक 2 वर्ष में जारी करता आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में कुल वन आच्छादन और वृक्ष आच्छादन यानी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर यानी भारत का जो कुल वन जो क्षेत्रफल है वह कितना है। ऑप्शन है 8,59,537 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 7,13,789 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, 95,748 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर या 1,05,000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी 8,59,537 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो भारत का जो कुल वन क्षेत्रफल है यानी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिलाकर वह 8,59,537 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। यहीं पर अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यह भारत का कुल फॉरेस्ट कवर है, और यहीं पर अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यह भारत का कुल ट्री कवर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण यानी यही फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अब हमने प्रतिशतता के आधार पर बताना है। तो भारत का जो कुल वनावरण और वृक्षावरण है यानी फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 24.62%, 23.62%, 24.25% या 21.71%। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी 24.62%। आप यहां पे देख सकते हैं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का जो कुल वन और वृक्षावरण है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। वर्ष 2019 के अगर हम तुलना की जाते हैं तो 2,261 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि की गई है, जिसमें से अगर हम केवल फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो 1,540 वर्ग किलोमीटर और केवल ट्री कवर की बात करते हैं तो 721 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो कुल वनावरण है यानी फॉरेस्ट कवर प्रतिशतता के आधार पर है 24.71%, 21.71%, 21.44% या 24.5%। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी यानी 21.71%। आप यहां पे इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। यदि यहां पर हम भारत का कुल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, और प्रतिशतता के आधार पर यहीं पर अगर हम बात करें तो 21.71% है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर है,
मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर है। क्षेत्रफल के आधार पर जो सर्वाधिक वनावरण है यानी फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में है। फिर दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है और तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का। तो क्षेत्रफल के आधार पर टॉप तीन राज्य हो गए। यहीं पर अगर हम बॉटम की बात करते हैं तो पहला हरियाणा, फिर पंजाब और फिर तीसरा स्थान गोवा का है। अब दोस्तों यहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रतिशतता के आधार पर, तो प्रतिशतता के आधार पर जो सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है वो आपको लक्षद्वीप में मिलेगा। और अगर हम राज्यों में बात करते हैं तो पहला मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर मेघालय। और यहीं पर अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो हरियाणा में मिलेगा, फिर पंजाब में मिलेगा। और यहीं पर अगर हम यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो पहला स्थान है लद्दाख का, जहां पर पूरे क्षेत्रफल का केवल 1.35% ही वन है। तो सबसे कम प्रतिशतता के आधार पर लद्दाख हो गया और सबसे ज्यादा प्रतिशतता के आधार पर लक्षद्वीप हो गया। और राज्य की बात करें, सर्वाधिक में बात करें प्रतिशतता में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सर्वाधिक कम प्रतिशतता के आधार पर हरियाणा और पंजाब। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक वृद्धि यानी फॉरेस्ट कवर में जो दर्ज की गई है वो आंध्र प्रदेश में, दूसरा स्थान तेलंगाना का है और तीसरा स्थान की बात करें तो उड़ीसा का है। यहीं पर अगर हम सबसे कम की बात करते हैं, जो सर्वाधिक जहां सबसे कमी हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड में। तो सर्वाधिक कमी जहां दर्ज की गई है वो अरुणाचल प्रदेश में, फिर मणिपुर में और फिर नागालैंड में। और वृद्धि की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल। आप यहां पे यह रिपोर्ट देख सकते हैं, मैंग्रोव कवर असेसमेंट 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में जो कुल मैंग्रोव वन है वो 4992 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है और 2019 की तुलना में 2021 तक 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम यहां पे बात करते हैं सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य यानी मैंग्रोव वन में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो ओडिशा में हुई है और ओडिशा के बाद महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर की और उड़ीसा की बात करें तो 8 वर्ग किलोमीटर की यहां पे वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? ऑप्शन है 5,75,288 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 7,75,288 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी की बात करें 6,65,288 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर और लास्ट ऑप्शन डी है 4,75,288 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी 7,75,288 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात की जाए तो 7,75,288 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। आप यहां पे यह रिपोर्ट देख सकते हैं, अगर हम यहां पे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो देश में कुल जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वह 7,75,288 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 23.58% है। यदि यहां पर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का कुल जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वह 38,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है जो पूरे उत्तराखंड का 71.05% है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 17,384 और जो वहां के कुल क्षेत्रफल का 7.22 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।